आफ्ताब अमीन पूनावाला, ये वो शख्स है जिसने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के पूछताछ पर इसने बताया कि उस रात को जब इन दोनों की लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो इसने श्रद्धा को जमीन पर पटका और जोर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर श्रद्धा की लाश को ले जाकर बाथरूम में रख दिया और पूरी रात चैन की नींद से सोया। अगली सुबह उठते ही वो बाहर जाकर 300 लीटर का एक फ्रिज लाता है और एक आरी खरीद कर लाता है और घर में लाश की बदबू ना आए इसके लिए वो घर में रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती जलाया करता था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा की लाश रखी थी उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा अपने घर वालों से बात नहीं करती थी और उसको इस बात का यकीन था कि कोई घर वाला उसे ढूंढने नहीं आएगा। इस हत्या को अंजाम देने की पूरी कोशिश, चाहे तुम्हारा प्यार कितना ही सच्चा क्यों ना हो, बस अपने माँ बाप से संपर्क कभी मत तोड़ना। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है या तुम्हें मारने की कोशिश की है, बस उस दिन अपने कदम पीछे खींच लेना। इस दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे मगर तुम्हारे घर का दरवाजा हमेशा खुला होगा। अब तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारा वाला अलग है, चलो माना तुम्हारा वाला अलग है, पर चाहे जैसा भी है तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर नहीं।